आज हम बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट विषय हेल्थ केयर में जो एक नेक्सस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का रेगुलेटरी बॉडीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उनके साथ जो उनके गठबंधन के साथ गुटबसूट की जा रही है उसी पे बोलने जा रहे हैं और हम फैक्ट्स और डाटा के साथ ही पर्दाफाश करना जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करूँ, मैं ट्रिब्यूट देना चाहूँगा हमारे ऐसे साथी जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से चले गए, वो महान आत्मा त्रिलोचन सिंह वजीर जी थे जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही जम्मू के हितों में। और मैं आज जम्मू की जनता को फिर याद कराऊं कि 2015 में जब ऐसे एज ए चैंबर प्रेसिडेंट मैंने एम्स की लड़ाई शुरू की, तमाम लोगों ने तो साथ दिया मगर अगर त्रिलोचन सिंह वजीर जी और उनके ट्रांसपोर्ट के भाई हमारे साथ ना खड़े होते तो आज एम्स जम्मू में ना होता। बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने हमेशा भाईचारे का संदेश दिया था और हम उनका जो भी संदेश था उसको आगे लेके चलेंगे। आज के मुद्दे पे आते हुए हमने फैक्ट्स लिख दिए हैं प्रेस नोट में, मगर नटशल में मैं ये बताऊं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स वो मुंह देख के रेट देते हैं दवाइयों का। कोई बड़ा हाउस है उसको एक रेट देंगे, छोटा हाउस है उसको छोटा देंगे, एमआरपी सेम है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई फ्री दवाई नहीं देते, उनको कितना कम रेट दिया जाता है जो मार्केट में स्टॉक स्टोर होलसेलर्स को दिया जाता है। आप नर्सिंग होम्स और डॉक्टर्स की क्लिनिक्स को बात करें, ये सब कुछ हमने चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। पर अफसोस इस बात का है कि दवाइयाँ ऐसी चीज़ है जिसमें एमआरपी घर बैठे कोई नहीं लगा सकता। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स के अंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो इसकी परमिशन देती है और इनकी सांठ गांठ साफ नजर आ रही है। एक तरफ हम जब हमेशा सराहना करते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जो हेल्थ केयर में इनिशिएटिव्स हैं, खासकर आयुष्मान भारत एक ऐसा इनिशिएटिव जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर को भी उसने सहूलियत दी, सबका फ्री में इलाज हो रहा है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को अपील करते हैं इस चीज़ का नोटिस लें और इस पर एक्शन लें। साथ ही साथ हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक गुहार लगा रहे हैं, जो फैक्ट्स हम इसमें लिख चुके हैं, हमने चार्ट बनाया है वो डिफरेंशियल इन प्राइसेस का। इसमें सबसे बड़ा खतरा ये बन गया है कि डिफरेंसेस इतने हैं कि नकली दवा मार्केट में आएगी तो वो कैसे पता चलेगी, जो प्राइस वॉर जो डिस्काउंट वॉर शुरू हो चुका है। और अगर इतने मार्जिन्स हैं तो आम आदमी के लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कम किया जाए, ये हमने गुहार लगाई है। जहाँ एक हमारा तिरंगा है, एक संविधान है, एक टैक्स है, तो यहाँ एक प्राइस क्यों नहीं होगी। जो आजकल भी विषय चल रहा है, कोई चेन्स का बोल लीजिए, आप मार्ट्स का बोल लीजिए, कंपनीज को चाहिए एक प्राइस सबको देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को समझना होगा ये 8 करोड़ ट्रेडर्स का मुल्क है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको देनी है, एक ही प्राइस लगेगी चाहे वो गरीब है ट्रेडर या कोई बहुत बड़ी चेन उसको लेती है। और एक प्राइस के रहने से नकली दवाइयों का आना बहुत मुश्किल होता है। हमने आज तक एज होलसेल फार्मा ट्रेड यहाँ पे नकली दवाइयों को रोक के रखा, मगर आज जो प्राइस वॉर शुरू हो चुकी है हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदुस्तान शायद वाहिद मुल्क है कि चेन्स में भी दवाइयों की उपलब्धि होती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी आप देखें वहाँ पे ऐसे उपलब्धियाँ नहीं होती। तो मैं आपके माध्यम से मीडिया के भाइयों को भी अपील करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम दुकानदार भी कस्टमर हैं, ये किसी के हित में नहीं होगा कि आम पेशेंट को इतना लूटा जाए जो आगे ही सफर कर रहा होता है। किसी की सफरिंग से को ऊपर पैसा कमाना कोई मानवता नहीं। थैंक यू वेरी मच।